हाय दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे महासागर के ऊपर होगी। इसमें हम इनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के साथ साथ इनका महत्व और इनके न होने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, अथवा ये एक मनोरंजक वीडियो है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पूरी धरती पर 5 महासागर है जो कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग को कवर करते हैं, मतलब ये बहुत विशाल होते हैं। इनकी गहराई को मानक मानकर इन्हें 5 भागों में बांटते हैं। पहला है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर, तीसरा है इंडियन ओशन या हिंद महासागर और चौथा है अंटार्कटिक या सदर्न ओशन। और हमारा 5वां महासागर है आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर, परंतु आज इस वीडियो में हम पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर की समरी। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 महासागरीय भागों में सबसे बड़ा और गहरा भाग है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 46% और ग्रह के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 32% भाग को कवर करता है और प्रशांत महासागर की औसतन गहराई लगभग 3,970 मीटर है, जो इसको संपूर्ण भूमि के क्षेत्र से भी बड़ा बना देता है। प्रशांत महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ओशिनिया महाद्वीपों और पूर्व में अमेरिका से घिरा है। प्रशांत महासागर समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का घर है जिसमें मछलियां, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और अकशेरुकी जीव शामिल है। यह पृथ्वी पर सबसे अनोखी और शानदार पानी के नीचे के जीवों की सभ्यता का घर है, जैसे मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी जगह और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानों की प्रणाली। प्रशांत महासागर वैश्विक जलवायु प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दुनिया भर में तापमान और वर्षा के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रशांत महासागर अरबों लोगों के लिए भोजन और संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि प्रशांत महासागर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र गर्म और अम्लीकृत हो रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। भूमि आधारित स्रोतों से प्रदूषण भी समुद्र में प्रवेश कर रहा है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली का स्टॉक कम हो रहा है और समुद्री खाद्य जाल बाधित हो रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रशांत महासागर पृथ्वी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। यह जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है और वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशांत महासागर के बारे में कुछ रोचक बातें। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। यह ग्रह पर किसी भी अन्य महासागर बेसिन की तुलना में अधिक समुद्री प्रजातियों का घर है। यह वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशांत महासागर एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रशांत महासागर को इसके सामने आने वाले खतरों से बचाना महत्वपूर्ण है ताकि यह हमें अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ प्रदान करना जारी रख सके। प्रशांत महासागर को कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें शामिल है तटीय विकास। तटीय विकास समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और समुद्र को प्रदूषित कर सकता है। गहरे समुद्र में खनन,
गहरे समुद्र में खनन का गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। समुद्री डेब्री। समुद्री डेब्री समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और समुद्र को प्रदूषित कर सकता है। महासागरीय अम्लीकरण। महासागरीय अम्लीकरण वायुमंडल से समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण होता है। इससे समुद्र अधिक अम्लीय हो रहा है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान हो रहा है। प्रशांत महासागर की रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यक्तियों, व्यवसायों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बना रखे। द्वीप और द्वीप समूह। प्रशांत महासागर कई द्वीपों और द्वीप समूहों से भरा हुआ है, जिनमें हवाई द्वीप, गैलापागोस द्वीप समूह, फिजी, ताहिती और कई अन्य शामिल है। ये द्वीप अत्यधिक पारिस्थितिक और सांस्कृतिक को अपने में समाये रखते हैं। रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर की विशेषता रिंग ऑफ फायर है, जो समुद्र के बेसिन को घेरने वाला क्षेत्र है, जो अपनी उच्च स्तर की टेक्टोनिक गतिविधि के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण से ग्रस्त है। समुद्री जैव विविधता। प्रशांत महासागर समुद्री जीवन की आश्चर्यजनक विविधता का घर है। इसके विविध पारिस्थितिक तंत्रों में मूंगा चट्टाने, समुद्री घास के जंगल और गहरे समुद्र में आवास शामिल है। इस महासागर में समुद्री जैव विविधता अद्वितीय है, जिसमें मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और अन्य जलीय जीवन की कई प्रजातियां हैं। व्यापार और परिवहन। प्रशांत महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। इसके किनारे के प्रमुख बंदरगाहों में लॉस एंजल्स, शंघाई, सिंगापुर और सिडनी शामिल है। प्रशांत महासागर को इन खतरों से बचाने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, भूमि आधारित स्रोतों से प्रदूषण को कम करके, मत्स्य पालन को स्थायी रूप से प्रबंधित करके, तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करके, गहरे समुद्र में खनन को विनियमित करके, समुद्री मलबे को कम करके और समुद्र के अम्लीकरण को संबोधित करके ऐसा कर सकते हैं। हाय दोस्तों।